और यार यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश आने वाली है और मुझे कम से कम यहाँ पे हो गया आधा घंटा, और आधे घंटे से मैं अभी तक अपना हॉस्टल ही ढूंढने पे लगा हूँ, तब से अपना गेस्ट हाउस, और मैं हूँ यहाँ पे सुभारती के यूनिवर्सिटी पे, और इतना बड़ा कॉलेज है ना, पता ही नहीं चल रहा अंदर कहाँ है बाहर कहाँ है। और ये रहा मेरा प्यारा सा रूम, ये देखो आप, ये छोटा सा किचन है, पानी बाहर अभी। ये रहा बेडरूम, तो गाइज मैं जाऊंगा इस बस में, देखो पूरा एसी बस है और ये सरकारी बस है, इससे किराया भी कम ही है। इतने बड़े बड़े गेट हैं, पता ही नहीं चल रहा किस गेट से अंदर जाना है। गेट नंबर 4 पे मेरा जो एग्जामिनेशन होना है कल, वहीं पे होना है, गेट नंबर 4 पे। हेलो एवरीवन, सेवा सोनी नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ विक्रम रावत, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर स्मार्ट सिटी देहरादून से, कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी मस्त हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही मॉर्निंग 8:30 बजे से, और अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे देहरादून से, और फिर इसके बाद मैं जा रहा हूँ आज लॉन्ग ड्राइव पे, तो आपको रास्ते में दिख ही जाएगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, और थंबनेल में भी दिख ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ आज थोड़ा उत्तराखंड से बाहर कुछ काम से, और वो आपको आगे ब्लॉग में दिख जाएगा, तो ब्लॉग में आप लोग बने रहें। और फिलहाल कल परसों में काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी देहरादून में, पूरा उत्तराखंड में, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था 2 दिन से। यहाँ का टेम्परेचर, देहरादून का टेम्परेचर 28-29 तक जा रखा था कल और आज का, और आज फिर ये देखो बहुत तेज़ धूप लग गई है, काफ़ी तेज़ धूप लग गई है, और देखते हैं फिर क्या होता है। और मैं जा रहा हूँ यूपी साइड, तो आपको रास्ते में दिखाएंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। कल बहुत ही अच्छा मौसम था और आज धूप फिर से लग गई। चलो मिलता है आपको सीधा बस स्टैंड पर। और आज फाइनली पहुंच चुके हैं मैं देहरादून ISBT बस स्टैंड पे, और यहाँ से ही चलते हैं हम, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का बस देखते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, तो लोकल बस तो नहीं, एसी बस देखते हैं यार कितना किराया वगैरह है उसमें। और अभी चल रहे हैं हम बस स्टैंड पे। गाइज हम पहुंच चुके हैं आधे रास्ते में, और ये है खटौली बाईपास है, और यहाँ पे अभी लंच ब्रेक चल रहा है, और अभी टाइम डेढ़ हो चुका है, तो मुझे अभी कम से कम लगेगा 1 से 1.5 घंटा और लगेगा। फाइनली पहुंच चुका हूं मैं अपने स्टेशन पे, और यहां का मौसम देखो बहुत ठंडा लग रहा है, मतलब बहुत काफ़ी तेज बारिश लग रही थी आगे, और अभी यहां पे ये रहा गाइस, और टाइम अभी बज रहे हैं 2:03 बज रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा कहाँ जाना है, कहाँ अंदर, कहाँ बाहर, गेट नंबर 1 कौन है, 10 कौन है, मुझे कम से कम 10 से 15 मिनट हो गए अंदर घूमते घूमते, और अभी तक दुर्गा भगवती ये सब दुर्गा भगवती कौन है, कौन सा वाला, ये वाली बिल्डिंग है उधर वाली,
ओके। और आज यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होने वाली है और मुझे कम से कम यहाँ पे हो गया आधा घंटा, और आधे घंटे से मैं अभी तक अपना हॉस्टल ही ढूंढ पे लगा हूँ, मतलब से अपना गेस्ट हाउस। और मैं हूँ यहाँ पे सुभारती के यूनिवर्सिटी में जो कि मेरठ में है, और यहाँ पे मुझे कम से कम आधा घंटा हो गया और आधे घंटे से मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ। इतना बड़ा कॉलेज है ना, पता ही नहीं चल रहा अंदर कहाँ है बाहर कहाँ है। तो फिलहाल मैं ढूंढता अपना गेस्ट हाउस, दुर्गा भगवती गेस्ट हाउस पे। लेकिन यहाँ तो लिफ्ट कहीं दिख ही नहीं रहा है, ये रहा। हाँ थोड़ा चला लो, अभी गर्मी हो रही काफ़ी। शुक्रिया। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपने स्टेशन पे, और ये रहा मेरा प्यारा सा रूम, ये देखो आप, ये है बैठक रूम और ये छोटा सा किचन है। पानी वाला भाई, हाँ पानी वाला है, बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे देखो बैठक रूम, और इधर साइड से बाहर का आपको व्यूज दिखा दे, बहुत ही अच्छा है ये देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और यह है बेडरूम, वॉशरूम, और यह है बेडरूम। और मैं हूँ मेरठ में सुभारती यूनिवर्सिटी में, और यहीं पे मेरा काम है, और वो आपको कल के ब्लॉग में दिख जाएगा। फिलहाल मैं आ रखा हूँ यहाँ पे, तो फिर यहीं पे इनका गेस्ट हाउस है, तो आज इन्हीं के गेस्ट हाउस में रुका हूँ। तो देखो बहुत ही सुंदर है, सच में बहुत ही प्यारा गेस्ट हाउस है। और गाइस अभी 6 बजने वाले हैं, और मैं आके थोड़ा सा सो गया था, और फिर अभी थोड़ा रेडी रूडी होके थोड़ा बाहर जाते हैं और आपको थोड़ा यहाँ का बाहर का लोकेशन दिखाते हैं यहाँ का। फिलहाल हम थोड़ा सा अपने लिए कॉफ़ी को भी बनवाते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल जहाँ मेरा कल पेपर है, मैं उसी कॉलेज में जा रहा हूँ, और वहाँ पे मैं अभी अपना थोड़ा सीट वगैरह कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि कॉलेज में जो कल वो है उसमें कल सुबह 7:30 बजे हमें इंट्री होना है। ये तक सुबह तो मतलब कहाँ भटकूँगा, तो इसलिए अभी मैं क्लियर कर देता हूँ कहाँ मेरा कॉलेज है, कहाँ पर मेरा सेंटर है। तो मैं फिलहाल जा रहा हूँ अभी अपने कॉलेज की साइड। और गाइस यहाँ पे ना सच में बहुत सारे गेट हैं ना, वो भी इतने बड़े बड़े गेट हैं, पता ही नहीं चल रहा किस गेट से अंदर जाना है किस गेट से बाहर जाना है। तो मैं अभी गेट नंबर 4 पे आया हूँ, तो वहीं गेट नंबर 4 पे मेरा जो एग्जामिनेशन होना है कल, वहीं पे होना है गेट नंबर 4 पे। तो मैं अभी उसी को क्लियर करने जा रहा हूँ ताकि मुझे सुबह में भटकना नहीं पड़ेगा। आपको दिखा दे गेट नंबर 4 कौन सा है। पहले इन्होंने बोला राइट जाना, फिर लेफ्ट, फिर राइट, तो यहाँ पता नहीं कितना लेफ्ट कितना राइट है यार। ये देखो अगर गेट नंबर 4 कौन सा है, इधर को। और गाइस जो मेरा सेंटर है वो है यहाँ पे गेट नंबर 4 पे, और वो है लॉ कॉलेज, सुभारती का जो लॉ कॉलेज है उसमें पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, मैं को सच में ना 1 घंटा होने वाला है, 1 घंटे से मैं तब से घूम रहा हूँ, कोई कह रहा इधर जा, कोई कह रहा उधर जा, कोई कह रहा इधर जा, समझ ही नहीं आ रहा है। और यहाँ पर कह रहे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो कहीं लिखा हुआ नहीं, कह रहे पे सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है, ये तो लॉ कॉलेज नहीं दिख रहा है, तो लॉ कॉलेज है ही नहीं। तो आगे सिक्योरिटी है, तो आगे से देखना पड़ेगा लॉ कॉलेज कौन सा है यार, सच में यार। अच्छा हुआ मैं अभी देखने आ गया, नहीं तो सुबह, क्योंकि वहाँ पे एंट्री टाइम 7:30 बजे का है, उसके बाद कोई बाहर आ गया उसके बाद नो एंट्री है, इसलिए अभी देखना ज़रूरी था, क्योंकि अभी इतना टाइम लग गया तो सुबह में तो पता नहीं कहाँ भटकना पड़ता ना।
बहुत ही भयंकर कॉलेज है भाई, सच में बहुत ही भयंकर कॉलेज है। लिखा भी तो नहीं है इसमें, देखते हैं यार। भैया लॉ कॉलेज यही है क्या? आगे वाला? हाँ हाँ ओके। यहाँ का टेम्परेचर शायद कम ही होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये वाला है आई थिंक, ये वाला हो सकता है। बॉडी ब्लेंड स्वागत है। ये जा रहा है तो यहाँ अंदर है लॉ कॉलेज शायद। भाई कितना घूमना पड़ रहा है ना इधर से उधर, जबकि मैं थोड़ी देर पहले ना यहीं पे था, मतलब उधर से आया मैं, घूम के आया उधर से, तो इसी के पीछे था मैं। तो आई थिंक यही होगा लॉ कॉलेज, क्योंकि उसने कहा यहाँ से अंदर जाओ, तो मेरे ख्याल से ये है। पर अरे ये लिखा हुआ है तो यानी कि ये होगा SSC एग्ज़ाम 2024। आज ये लिखा हुआ है रोल नंबर से वगैरह यहाँ पे, ये देखो ये रहा कॉलेज गाइस, ये रहा, इतना बड़ा लिखा हुआ है। इसमें है मेरा कल पेपर इस वाले कॉलेज में। बस ये रहा सुभारती इंस्टीट्यूट लॉ, ये रहा, यही है मेरा पेपर कल, ये देखो। जो मैं अभी इससे पहले दिखाया था वो बैक गेट था, ये फ्रंट गेट है इसका। तो गाइस यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी इतनी है ना अनगिनत, पता ही नहीं चल रहा कितने हैं, और किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पर पेपर है, और किसी को ये भी नहीं पता कि हाँ कौन से टाइमिंग का गेट कहाँ पे है क्या है। मैंने अभी किसी को पूछा था, उसने बताया नहीं, उसने मुझे गलत जगह ही भेजा था, क्योंकि उसको शायद सही से पता नहीं था। अभी किसी को पूछा मैंने तो वो कह रहा है मैं नाइट वाला हूँ, डे वाले को पता होगा। मतलब सच में यार इतनी बड़ी कॉलेज है ना, किसी को पता ही नहीं है कौन सा गेट कहाँ जा रहा है, कौन सा क्या है। तो फाइनली मुझे कॉलेज तो मिल ही गया, और कल सुबह मैं सीधा आके, अभी इन्होंने वहाँ पे रोल नंबर लगाए नहीं, कल सुबह लगाएंगे। और लेकिन यहाँ का आप नज़ारा देखो ना, सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है यार, सच में बहुत ही अच्छा है। और गाइस अभी हो चुका है 9:30 और मैं आ चुका हूँ कमरे में अपने गेस्ट रूम में, और बहुत ज़्यादा दौड़े भागे हुए यार, काफ़ी ज़्यादा घूम फिरने के बाद आया मैं अभी एक कमरे में। और आप देख सकते हैं कमरे की ऐसी बुरी हालत हो रही है ना, मतलब सारे सामान इधर उधर फैला रखा है, सब कुछ इधर उधर जा रखा है। तो अभी मैं बाहर तो खाना खाता नहीं हूँ वैसे, तो मैं बना रहा हूँ कमरे में ही, और कमरे में ही यहाँ पे एक कैटल रखा हुआ है, तो मैंने मैगी ला रखा है, तो कैटल में पानी गर्म करूँगा, और कैटल में मैं पानी गर्म करूँगा, उसी से ही मैं पानी गर्म करूँगा, उसी को मैं टिफ़िन में डालूँगा, और फिर वैसे ही मैगी बनाऊँगा। तो आपको दिखाते हैं। तो ये मैंने कैटल में पानी गर्म कर दिया, और पानी काफ़ी खोल रहा है, मतलब पानी कम बचा रहा है, तो इसमें मैं अपने टिफ़िन में डाल दिया मैगी। ये देखो थोड़ा चुरा चुरा करके, तो ये उबल रहा है काफ़ी। ये देखो ऐसे खाना खाना पड़ता है यार। अभी दो दिन तक, मतलब आज और कल यही हूँ, मतलब कल जाऊँगा यहाँ से शाम को या दिन में, पता नहीं कब भी जाऊँगा, तो तब तक मुझे खाना ऐसे ही खाना पड़ेगा। और गाइस फाइनली मेरी मैगी बन के तैयार हो चुकी है, आपको दिखाते हैं। जबकि मैंने इसमें मतलब खाली, मतलब बहुत ही गर्म पानी डाला था केटल से, और टिफ़िन में डाला था, फिर उसके ऊपर से मैंने मैगी डाली थी, उसके ऊपर से मैंने मसाले मसाले डाले थे, तो लेकिन बहुत ही अच्छा बना है। ये देखो, ये देखो लग ही नहीं रहा कि मतलब ऐसे ही बना हुआ है, मतलब बहुत ही अच्छा बन गया यार, वाह। तो गाइस आज की वीडियो नहीं रखते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। कल का ब्लॉग जरूर देखें, कल का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।